अरे सुनो, अपना सामान तो लेके जाओ। ईशान कहाँ है? अभी तक ऑफिस से नहीं आया। सुबह सोनाली बिना बताए चली गई ना, तो ईशान का मूड थोड़ा खराब था। ईशिका बता रही थी कि सुहाना भी बहुत अपसेट थी। हाँ दी, सुहाना सोनाली को डिनर पे ले जाने वाली थी और वो, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा हुआ सोनाली चली गई। हाँ पर ये भी है, सोनाली के कारण ही सुहाना को इस बात का एहसास हुआ कि वो ईशान से कितना प्यार करती है। दी पर सोनाली नहीं भी होती तो एक ना एक दिन सुहाना को अपने प्यार का एहसास तो हो ही जाता ना। कब? जब दोनों बूढ़े हो जाते तब। अरे अगर पहले पता होता तो बड़ी मामी एक दिन बैठ के उसे प्यार से समझा देती और वो समझ जाती। अरे भाई, प्यार जो है वो समझाने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। प्यार का एहसास तो धीरे धीरे ही जाता है बच्चों, उसे किसी पाठ की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। अब बेवकूफ होते हैं वो जो समझते हैं कि प्यार को समझाया जा सकता है। ये तो बस या होता है या नहीं होता, एहसास है उसको समझना पड़ता है। दादाजी एकदम ठीक कह रहे हैं। दादाजी के या माँ के समझाने से ना सुहाना कभी नहीं समझती। मेरे ख्याल से एक तरह से अच्छा ही हुआ कि उसे इस एहसास से खुद ही गुजरना पड़ा। हाँ वो तो है, पर अब और कुछ नहीं हुआ ना उसके बाद। मतलब अपना ईशान भोलू तो बस है वही, कुछ बोलेगा ही नहीं वो तो अब। और सुहाना भी ना, सबके सामने एक आई लव यू बोल दिया और खत्म। अब आगे क्या उसे पता ही नहीं। भाई मेरे ख्याल से इन दोनों को ना बाहर भेज देना चाहिए, मतलब हनीमून पे। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, दोनों कुछ दिन बाहर रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, किसको भेज रहे हैं जी? हैं? अरे भाई ये जरा यहाँ इनका आइडिया है, ये सब चाहते हैं कि ईशान और सुहाना को कुछ दिन के लिए ना बाहर भेज दिया जाए। हनीमून पे? नहीं नहीं दोनों कहीं नहीं जाएंगे। क्यों चाचा जी? अरे क्यों क्या, ईशान एकदम बेकार और सुहाना एकदम बावली, ये दोनों अगर बाहर गए ना तो कोई ना कोई पंगा जरूर करके आएंगे। और फिर मैं नहीं जाऊंगा दोनों को छुड़ाने के लिए पुलिस से जेल से। नहीं आलोक, ये ठीक रहेगा, हम दोनों को कहीं भेज देते हैं, दोनों कुछ दिन साथ रहेंगे तो। भाभी ईशान भाई, आपकी हनीमून की प्लानिंग चल रही है। क्या क्या? तो ऐसे कह रहा है जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। मनी मन लड्डू फूट रहे होंगे। अरे भाई भाई आलोक, तू इन दोनों के बाहर जाने की तैयारी करते हैं। और खर्चा कौन देगा? और तेरे हनीमून का खर्चा तेरे बाप ने उठाया था ना, तो ईशान के हनीमून का खर्चा भी उसका बाप उठाएगा। हाँ तो उसी से कहिए। उसी से कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हनीमून का आधा खर्चा तू भरेगा। आलोक ये क्या बोल रहे हो? अरे पूछिए ना बाबूजी से, अपने हनीमून का आधा खर्चा मैंने खुद अपनी जेब से लगाया था। बाबूजी ने सिर्फ 900 रुपए थमा दिए थे मेरी हथेली पर, और खर्चे हुए थे 2,035.50। तो वहां भी हिसाब ही कर रहा था। 2,035.50 3,500। मिस्टर ईशान कश्यप, तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? खुशखबरी है,
ईशान कश्यप और सुहाना कश्यप हनीमून पे जा रहे हैं। हाँ तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? हेलो, सुहाना कश्यप और ईशान कश्यप तो हम दोनों हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आखिर तुमने पहचाना तो सही, सुहाना कश्यप। ओह ओके, आई एम सॉरी। अच्छा ये बताओ, हनीमून पे कहाँ जाना चाहती हो? तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे हनीमून पर नहीं, सचमुच के मून पर जा रहे हो। सुहाना सुहाना, हनीमून मींस हनीमून। सुहाना सुहाना, हनीमून मींस हनीमून। ईशान, तुम्हें थोड़ा बैन कर देना चाहिए गवर्नमेंट को हनीमून पर जाने के लिए। अरे तुम कुछ भी रोमांटिक सोच ही नहीं सकते। हनीमून मींस हनीमून, हनीमून मींस प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, रोमांस। बोलो। हनीमून मींस प्यार, इश्क, लव, रोमांस। फिर से बोलो। हनीमून मींस प्यार, इश्क, लव, रोमांस। हेलो, एक सेकंड, एक बात मैं अभी से क्लियर कर देती हूँ, मैं वहां जाके घूंघट फिर से नहीं डालूंगी। शक्ल हूबहू से मिलती है जिसने मेरी आत्मा को रौंद दिया था, तार तार कर दिया था मेरी इज्जत को। यही नाक नक्शा, यही कद, यही आवाज। तुम्हें जन्म देते वक्त मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी शक्ल उस राक्षस से इतनी मिलेगी कि मैं तुम्हारी ओर देख तक नहीं पाऊंगी। तुम पे नजर पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे मेरे पूरे बदन पर वही सांप रेंग रहा है। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारी मां बनने की, अपने अंदर की उस मजबूर औरत को मार नहीं पाई जिसका उस शख्स ने बलात्कार किया था। वो दर्द, वो जख्म जो उसने आपको दिए मां, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं आपके जख्म का हर हिसाब चुका कर रहूंगा, हर हिसाब। भैया आप कुछ भी कहिए, पर जिस तरह से सुहाना ने ईशान को आई लव यू कहा ना, आए हाय हाय, मान गया भैया, मजा आ गया। बहुत मजा आया। पता है, अरे सुनना, पता है मैंने ना रानी को जाके कहा, क्या एक बार पलंग पे चढ़ के बोल दे आई लव यू इंडिया। अच्छा तो भाभी ने बोला क्या? अरे कहा यार, हमारी शादी को ना इतने साल हो गए, पर रानी अभी भी ना यार शर्माती है यार। क्या भैया, भैया इस मामले में ना मेरी मेरी दिशु बहुत सही है। क्या बात कर रहा है? हाँ क्या बात? अरे भैया हाँ। कल रात को सीधा जाके टेबल पे चढ़ गई हाँ। और कहने लगी क्या, इलेश आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मतलब उसने तुझे तीन बार I love you, I love you, I love you कह दिया? अरे भैया तीन बार नहीं, वो तो एक ही बार कहा। आपको समझने के लिए मैंने एक को दे दिया। अबे
एक को दे दिया। एको के बच्चे, एक बार दिशा को बोलना रानी को भी कुछ ट्रेनिंग दे, तो मैं भी कुछ एको एको में बोलूं। यार छोड़िए ना, अब आप भी क्या बुढ़ापे में ये आई लव यू के चक्कर में पड़ गए। क्या बोला रुक, कौन बुड्ढा, क्या बोला? भैया शांत शांत शांत, कूल कूल कूल। अबे तेरे से ज्यादा जवान दिखता हूँ। ओके ओके, आइंदा फालतू बात मत करना, समझे? भैया भैया मैं कुछ सोच रहा था। क्या भैया? मैं ये कह रहा था कि भाभी और दीशु जो कह रही थी ना, वो गलत नहीं था। किस बारे में? अब सुहाना जो है वो सोनाली को लेकर जेलस तो फील कर रही थी, उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी, है ना? लेकिन हम भी गलत नहीं थे बॉस। सोनाली लड़की गलत नहीं थी, देखो ना, चुपचाप बिना किसी को बताए इस घर से चली गई। किसी को प्रॉब्लम दी नहीं ना, फिर कहाँ गलत थी? भैया फर्ज कीजिए। क्या फर्ज कीजिए? अरे ठीक क्यों रहा है? अब भैया फर्ज कीजिए। क्या? हाँ, कि अगर सोनाली की जगह रूपाली इस घर में आती तो ये सब कुछ नहीं होता ना। किसका नाम ले लिया यार तूने, आए हमारा भी मन बहल जाता। भैया भैया यहाँ 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 बैठिए, यहाँ बैठिए ना, बैठिए ना भैया। भैया भैया रूपाली इस घर में आ जाती। ये 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 ईशान और सुहाना के बीच जो कंफ्यूजन हुई थी वो भी नहीं होती, और रूपाली को देखकर हमारा जी मन सब कुछ भर जाता। हाँ, मन बहल जाता हमारा। अरे तुझे याद है एक बार क्या, वो रोज हर रोज सुबह सुबह अपनी छत पे अपने मोतियों जैसे दांत ब्रश करने आती थी, और आप लाल मंजन से अपने पीले पीले दांत मांजा करते थे। तू जो झूठी मूठी पौधों को पानी देने के लिए करता था, मैं बताऊं? भैया हाथ तो छोड़िए। भैया पर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि रूपाली आपसे ज्यादा मेरी कंपनी एंजॉय करती थी। क्या बोला फिर से बोल। और एक राज की बात बताता हूं मैं। क्या? मैं रूपाली को दो बार कैफे डिलेला ले गया था। बस दो बार? अबे किसी भी खुशफहमी में मत रहियो, मैं उसे तीन बार कैफे डिलेला लेके गया था। अब यार तुमने अभी इंदर जलालुद्दीन कश्यप का जलवा कहाँ देखा है? अब भैया आप उसे कहाँ लेके गए थे? कैफे डे लैला। कितनी बार? अब तीन बार। किसे? अबे रूपाली। इंदर जलालुद्दीन कश्यप, हाँ तुम किससे कहाँ कितनी बार ले गए थे, बोलो जरा बोलो। ये लेके गया था मैंने, ये। अरे नहीं भाभी भाभी, मैं तो सिर्फ दो ही बार लेके गया था, पर आपके पतिदेव तीन बार लेके गए थे। तुम दोनों चुप रहो, खबर लेती हूँ मैं। ए ईशिका जल्दी जा, दिशा को बुला कर ला। तुम कहीं मत जाओ, यहाँ बैठो। छोड़ूंगी नहीं आज मैं तुम्हें। आप बताओ मुझसे पहले क्या क्या गुल खिलाया तुमने, बताओ। बताइए बताइए, कैफे डे लैला की पूरी लिस्ट बताइए ना इंदर भैया। आपको पता है रजनी दीदी, इन्हें ना सारे टैकी वाले लव पॉइंट्स भी बताया, इन्होंने ईशान को बताया था। रानी रानी, ये हाथ है आप फांसी का फंदा। भैया किस चक्कर में पड़े रहते हैं आप? इतनी अच्छी बीवी मिली है, इसको छोड़कर आप कहाँ कहाँ कॉफी पीने जाया करते हैं। चल मुझे बचाना, साना बचाना, बचाना साना बचाना। बचाओ, आई लेके चल, लेके चल, मैं आपको दूर लेके जाऊंगी। रजनी दीदी सॉरी सॉरी। इंदर भैया अपने लव अफेयर्स के किस्से सुना रहे हैं। हे भगवान, इस घर को तो किसी की नजर लग गई है भाई। ये मामला ना हाथ से
निकल चुका है। आए, रानी मैं तो कसम खा के कहता हूँ, मैं उसे कभी भी लेके नहीं गया। कैपिटल लेला में ये लेके गया था, मैं तो इसे चिढ़ाने के लिए ऐसी बोला था, मैं तो कभी भी लेके नहीं गया रूपाली को। नहीं नहीं, अरे भाभी मैं भी आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं तो सिर्फ भैया को जला रहा था, हाँ मैं ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ रहा था। चाचा जी एक मिनट, तुम जानती हो दोनों नहीं सुधरेंगे, एक काम करो इन दोनों को कमरे में ले जाओ और खूब जम के पिटाई करो। Exactly. Serves them right. चाचू। और दिशा का है उसको बुलाओ ना, वो तुम्हारा हाथ बटाई किसका। अरे नहीं मामू, वो तो बेलन से मारती है। हाँ इसीलिए तो बुला रहा हूँ, है ना। चलो सुहाना हाथ बांध के, हाथ बांध के बराबर, छोड़ना नहीं बराबर। हे भगवान, इन दोनों लड़कों को सही रास्ते पे चलाना। छोटी भाभी अब आप मत शुरू हो जाइए। अरे इंदर और इलेश अपनी बीवियों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अरे मियाँ बीवी में ऐसी नोकझोंक चलती रहती है। अब तुम कहीं सीरियस होके रोना मत शुरू कर देना। मैं रोती हूँ क्या? हाँ तुम बहुत रोती हो। एक जंगल में एक शेर रहता था और एक लोमड़ी भी रहती थी, और ना उस शेर ने ना लोमड़ी को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया और फिर उसे लोमड़ी को खाने का जिद कर गया, तो उसने माँ का अच्छा बेटा हूँ ना नाना जी। बेटा तू तो लाखों में एक है। फिर माँ मुझे एक नजर देखती क्यों नहीं नाना जी, क्यों मुझसे प्यार नहीं करती? तुम पे नजर पड़ते ही ऐसा लगता था जैसे मेरे पूरे बदन पर वही सांप रेंग रहा है। हर स्पर्श से ऐसा लगता जैसे मैं फिर से डस ली गई हूं। आज पूजा के बाद सभी बड़े अपने से छोटों को आशीर्वाद देंगे। तुम भी अपना हाथ दीपक के सिर पे रख देना, बेटा है तुम्हारा। जिसको एक नजर देखने की इच्छा ना हो उसे किस मुंह से आशीर्वाद दूंगी? अंदर की उस मजबूर औरत को मार नहीं पाई जिसका उस शख्स ने बलात्कार किया था और जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी मां होते भी मां की ममता के लिए तरस गया। सिर्फ तुम्हारे कारण माँ ने कभी भी मेरी ओर देखना गवारा नहीं किया। सिर्फ तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी पे कभी ना मिटने वाला दाग लग गया। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं।
अंदर की उस मजबूर औरत को मार नहीं पाई जिसका उस शख्स ने बलात्कार किया था। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।